जब सबके प्राइम फैक्टर्स हो चुके हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखो इसमें क्या है, टू है तो टू की पावर थ्री, और ये क्या है, ये है टू की पावर वन। बेटा आप सब बच्चे जानते होंगे जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, मालूम है कि नहीं बताइए। ये यस टू की सर, पावर थ्री है और ये टू की पावर वन है, तो क्या हो जाएगा, टू की पावर टू की थ्री हो जाएगा, पावर। ठीक है। तो ये हो गया अंडर रूट में टू की पावर फोर। फिर अगला नंबर देखो थ्री, तो थ्री है और इधर भी थ्री है, तो थ्री इंटू थ्री क्या हो गया, थ्री की पावर टू। फिर देखो सेवन, सेवन इंटू सेवन क्या हो गया, सेवन की पावर टू। और स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी ये होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर हैं अगर उनकी पावर इवन है तो वो बाहर आकर हाफ हो जाती है। तो आप ये देखिए जैसे टू की पावर फोर है तो ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, टू की पावर टू। थ्री की पावर टू ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, थ्री की पावर वन। सेवन की पावर टू ये बाहर आकर क्या हो जाएगा, सेवन की पावर वन, ठीक है। तो इनका सबका हाफ हो गया और स्क्वायर रूट हट गया, तो टू की पावर टू क्या होता है बेटा फोर, और थ्री इंटू सेवन क्या होता है 21, तो ये हो गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं। यस सर, ठीक है। तो आप ना इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो भी आपको नंबर दे, नंबर आपको मिलेंगे कितने, चार मिलेंगे, एक दो तीन चार, तो ये चार नंबर आपको मिलेंगे। जब आप गिलोन्स फॉर्मूला करोगे ना तो स्क्वायर रूट के अंदर ये चार नंबर आपको मिलेंगे। आप इन चारों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आप देखिएगा कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट आ सकती है तो वहां हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बता, बताइए सर, अगर अंडर रूट में पावर ऑड होती तो फिर क्या होता? अंडर रूट में अगर पावर ऑड होगी तो फिर आपको ट्रेडिशनल जो तरीका है उसी तरीके से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, चलिए जी। अब इसके बाद अगला देखता हूं मैं, एग्जांपल नंबर वन था ये, इसी तरीके से एग्जांपल नंबर टू देखेंगे। एग्जांपल नंबर टू नोट करिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर Find the area of a triangle two sides of which are 8 cm and 11 cm. Two sides of which are 8 cm and 11 cm. And the perimeter is 32 cm. And the perimeter is 32 सेंटीमीटर। तो मुझे एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है और उस ट्राइंगल का पेरिमीटर दे रखा है, तो वो बोल रहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिएगा कैसे करेंगे, ये ट्राइंगल है ए बी और सी, हमने क्या करा, एक साइड को तो मान लिया 8 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये वाली साइड जो ए के सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, बी के सामने वाली साइड को बोलते हैं स्मॉल बी, ये हो गया 11 सेंटीमीटर, और जो कैपिटल सी के सामने वाली साइड है स्मॉल सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर दिस दिस, और पेरीमीटर उसका दे रखा 32 सेंटीमीटर। तो आप ये देखिएगा पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी फिगर का, पेरीमीटर क्या होता है, उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स को आप ऐड कर दीजिए तो उनका एडिशन जो है वही पेरीमीटर कहलाता है। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पेरीमीटर उसका गिवन था। यहाँ से ए की वैल्यू डालिए 8
बी की वैल्यू डालिए 11 और प्लस सी इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब ये 8 प्लस 11 कितना हो गया 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32, तो सी कितना हो गया 32 माइनस 19 मतलब सी की वैल्यू आ गई बेटा 13 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ए बी आ गया, बी बी आ गया और सी बी आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो गया सी। चलिए जी अब एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, एरिया निकालने से पहले हम एस निकालेंगे, एस होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये पहले ही इसमें दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी यानी कि पेरीमीटर 32 है, तो सीधा लिखो 32 अपॉन 2, 2 1 सा 2, 2 16 सा 32, तो s की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। तो भाई हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ये हो गया इज इक्वल टू अंडर रूट एस कितना है 16 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 8 कितना है 8 16 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी 16 माइनस 13, ठीक है ये हो गया। अब इसको आगे उस तरफ करूंगा मैं, तो देखिएगा ये मेरे पास हो गया अंडर रूट चार टर्म्स आएंगी 16 मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 8 कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 11 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 13 कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखो ये जो 16 है ये 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 और 8 कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 तो सिर्फ 5 ही है और 3 तो सिर्फ 3 ही है क्योंकि ये दोनों तो अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं तो इनके तो हम कोई फैक्टर कर नहीं सकते। तो अब आप ये देखिए 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 2 की पावर 7 जिसको मैं 2 की पावर 6 लिख दूंगा 2 की पावर 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ऐसा मैंने क्यों कहा आप समझ गए होंगे, देखिए जब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब दोनों के बेस सेम है तो पावर्स जो है वो एडअप हो जाएंगी, तो वो एडअप होकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 बन जाएगा। तो मैंने 2 की पावर 6 अलग कर दिया और 2 की पावर 1 अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 6 जो है वो एक इवन नंबर हो गया, 2 की पावर 6 बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। मेरी बात समझ में आ गई सबको? यस सर, ठीक है। ये हो गया बाहर आकर 2 की पावर 3 और अंदर बचा 2 इंटू 5 इंटू 3। अब इनके कुछ फैक्टर हो नहीं सकते, 2 की पावर 3 हो गया 8, 2 5 का 10, 10 3 का 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो इसको यहाँ छोड़ दो क्वेश्चन को, ठीक। अब आपको एक चीज बताता हूँ, जो आप लोगों के स्कूल में अभी पढ़ाया जा रहा है, अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद और आने वाले 1, 2 या 3 महीने तक, जब तक अच्छा खासा पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है शायद स्कूल तो नहीं खुलेंगे, और अगर स्कूल नहीं खुलेंगे तो आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट में ज्यादातर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रखा होता है आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 मान लीजिए ये आ गया और उसमें ऑप्शन आपको अंडर रूट में दे रखा है, तो आप 8 अंडर रूट 3 को मार्क कर लेंगे, लेकिन कई बार क्या है कि वो पॉइंट में दे रखा होता है। तो जो हीरोन्स फॉर्मूला के क्वेश्चन है उनमें हम ये कहते हैं कि आप अंडर रूट में भी आंसर निकाल कर छोड़ सकते हैं,
लेकिन अगर मान लो आंसर आपको पॉइंट्स में दे रखा है, मतलब जो ऑप्शंस है वो पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो फिर तो आपको अंडर रूट को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो या तो ये हो गया इसका एरिया, या फिर अंडर रूट 30 को सॉल्व करना पड़ेगा। और अब अंडर रूट 30 को सॉल्व करते हैं, तो 30 हो गया, हमें दो दो के ग्रुप्स बनाने होते हैं, तो 30 में तो वैसे ही दो डिजिट है, तो दो का ग्रुप तो बन ही गया। फिर पॉइंट लगाकर दो जीरो लगाओ और दो जीरो और लगाओ, बस इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बस इतना कर दीजिए। तो हमें नंबर चेक करना होता है कि एक नंबर उसमें उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे वन है तो वन में वन को ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो वन इंटू वन हो गया वन, वो 30 से बहुत छोटा है। फिर टू इंटू टू हो गया फोर, वो भी बहुत छोटा है। 3 into 3 हो गया 9, वो भी बहुत छोटा है। 4 into 4 हो गया 16, ये भी छोटा है। 5 into 5 25, ये भी छोटा है। 6 into 6 करा तो 36 हो गया, 36 आ गया, 30 से बड़ा, तो 5 वाला ले लेंगे हम। मैं यहाँ लिखूंगा 5 और यहाँ भी लिखूंगा 5, 5 into 5 कितना हो गया 25। अब 30 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करा तो आ गया 5, और ये जो दो जीरो है इनको नीचे उतार दिया तो ये आ गया 00। अब याद रखिएगा, पहले आपने क्या करा था, 5 में 5 को मल्टीप्लाई करा था, फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, 5 में 5 को ऐड कर देना है। तो 5 में 5 को जब ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 10 बन गया। यहाँ तक सभी को क्लियर है इतना? 5 सर में 5 को जब ऐड करा तो 10 बन गया। और 10 के आगे कोई एक डिजिट लिखना है मुझे, और फिर उस नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, कि जैसे 10 है तो 10 के आगे आपने लिख दिया 1, तो ये 101 बन गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 into 101 ये हो जाएगा 101। ये 500 से बहुत छोटा है। अगला नंबर ट्राई करो, बल्कि 3 ट्राई करो, है ना, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, ये हो गया 309, ये भी 500 से छोटा है। अगर 5 ट्राई करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। 4 ट्राई करो, 104, मतलब 10 के आगे 4 लगाया और फिर उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 4 16, 4 1 4, ये हो गया 416। तो 104 है, 104 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पॉइंट के बाद आया है 20, तो इसको भी पॉइंट के बाद देखेंगे। तो 4 into 104 कितना हो गया, 416। अब वो 500 में से 416 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। फिर ये 20 नीचे कॉपी कर दो, 00 आ गया। तो 104 में मैंने 4 को मल्टीप्लाई करा, अब 104 में 4 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 108। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? फिर क्या करें, फिर आप 108 के आगे कोई नंबर लगाओ, जैसे 108 है तो इसके आगे मान लो मैंने 3 लगा दिया, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 3 8 24, 2 कैरी, 3 0 0 और 2 2, 3 1 3, तो 3249, ये 8400 से काफी छोटा है। तो क्या करो आप, 6 ले लो, चलो, या 7 लो, 7 लेते हैं, चलो 108 पे आगे 7 लगाओ और 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 7 का 49, 4 कैरी आ गया, 7 8 का 56 और 4 60, 6 कैरी आ गया, 7 8 का 56 और 4 60, 0 आ गया, 6 के लिए आ गया, 7 0 का 0 और 6 6 7 7, तो 7 6 0 9, ये इससे छोटा नंबर आ गया। यार 8 भी आ सकता था क्या, 8 8 ट्राई करूं एक बार, नो से नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बढ़ा रहा है। चलिए 7 6 0 9 हो गया, तो क्या करा हमने, 108 के आगे 7 लगाया था, यहाँ 7 लगा दिया, 1087 को 7 से ही मल्टीप्लाई करा, ठीक। फिर आगे कुछ भी आता रहे, डॉट 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 करके छोड़ दो, आगे करने की जरूरत नहीं है। आप इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, ये बेटा हूँ उधर से मैं, बेटा सब बच्चों को क्लियर है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? यस सर। ठीक है, वेदार क्लियर है? वेदार, सोमिल, याशिका, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब मैं ये कहूंगा कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. 8 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 30 को तो कैलकुलेट करके 5.47 आ गया. 5.47 तो 8 7 जा 56, 8 4 जा 32 और 5 37 3 कैरी, 8 5 जा 40 और 3 43, 43.76 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर आपके टीचर बोलेंगे पॉइंट्स में निकालना है या अगर आपको एमसीक्यू में पॉइंट्स में आंसर दे रखा हो तो फिर ये वाला हो गया. ठीक है, अगर अंडर रूट वाला है तो फिर तो इतना आपने कर दिया, अगर नहीं तो फिर आपने पॉइंट्स में इस तरह से इसको निकाल के कर देना. उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3, एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज पेरिमीटर 30 सेंटीमीटर centimeter. First of all, find the area of the triangle. Find the area of the triangle. मैं जानता हूँ isosceles triangle कौन सा triangle होता है? एक ऐसा triangle जिसकी दो sides equal होती हैं, तीसरी side unequal होती है. तो ऐसे triangle को हम बोल देते हैं isosceles triangle. तो ये हमने ले लिया ए बी और सी. मान लो कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं. उन्होंने बोला कि ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर. तो ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए है जो मुझे नहीं पता कितना है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी है जो कि 12 सेंटीमीटर है, और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है ये भी 12 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब मैं कहूंगा पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का सम. तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर. यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा गिवन, क्योंकि ये वैल्यू हमको दे रखी है, इस क्वेश्चन में गिवन है ये. ठीक है, तो यहाँ गिवन लिख दिया. इट इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सॉरी अब ए बी और सी की वैल्यू जो जो पता है वो डाल दें. ए की वैल्यू तो नहीं पता है तो ए को तो एज इज छोड़ दिया. बी कितना हो गया? 12. प्लस सी कितना हो गया? ये बिट पर हो गया इज इक्वल टू 30. कितना आ गया? अब इसके बाद मैं इस तरफ करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा ये 12 प्लस 12 कितना हो गया? 24. हम इसको बोलेंगे a प्लस 24 इज इक्वल टू 30. 24 को उधर ले जाओ तो a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर. उसके बाद हमें जब भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो मुझे सेमी पेरीमीटर यानी कि स्मॉल s की जरूरत पड़ती है. तो स्मॉल s स्मॉल s is equal to a plus b plus c upon 2. अब ये जो a plus b plus c है ये इसमें दे रखा था 30, तो a plus b plus c की जगह लिख दिया 30. 30 upon 2 पर 2 15 था 30. बेटा s की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर. सो by Heron's formula area of triangle ABC is equal to under root
s into s minus a into s minus b into s minus c ये हो गया is equal to सबकी वैल्यू डालिए s कितना है यहाँ पर s है 15 15 माइनस a कितना है 6 15 माइनस 6 15 माइनस b कितना है 12 into 15 माइनस c कितना है ये भी 12 is equal to चार नंबर आएंगे मेरे पास 15 multiplied by 15 minus 6 कितना हो गया 9 15 minus 12 कितना हो गया 3 15 minus 12 कितना हो गया again 3 अब 15 का मतलब हो गया 5 multiplied by 3 और 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर और ये 3 into 3 ये तो 3 का स्क्वायर है ही अब आप ये देखिए 5 और 3 दोनों प्राइम नंबर है बाहर नहीं आ सकती है थ्री का स्क्वायर बाहर आकर क्या हो जाएगा थ्री ये वाला थ्री का स्क्वायर भी बाहर आकर क्या हो जाएगा थ्री और अंडर रूट में मेरे पास बचता है 15 मैं ये बोलूंगा या तो आप इसका एरिया ये लिख दीजिए 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया यस सर ठीक है या तो 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो और या फिर मुझे ये जो 15 का स्क्वायर ये जो 15 है इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना पड़ेगा तो चलिए जी इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं दिमाग समझ में आ रहा है दिमाग मेरी आवाज आ रही है चलिए जी ये करने के बाद में मैं कहता हूँ कि चलिए 15 का स्क्वायर रूट निकालते हैं इधर हो गया ये 15 तो दो डिजिट का मुझे ग्रुप बनाना होता है तो दो डिजिट यहां पर ऑलरेडी दे रखी हैं 15 तो ये तो 15 हो गया इसके बाद मैं कहूंगा पॉइंट लगाकर दो जीरो लगा दो और दो जीरो ऐसे लगा दो अब देखिए 1 1 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 वो 15 से बड़ा है तो 3 3 9 15 माइनस 9 हो गया 6 और ये जो दो जीरो है इनको नीचे उतार लो तो ये हो गया 600 मैंने 3 में 3 को मल्टीप्लाई करा था तो 9 आया अब 3 में 3 को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 6 के आगे कोई एक नंबर लगाओ जैसे मैंने 6 के आगे 5 लगा दिया मान लो तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 5 का 25 तो कैरी 5 6 का 30 और 2 32 325 ये तो 600 से बहुत छोटा है और बड़ा नंबर ट्राई करते हैं 8 लगा दो तो 8 8 का 64 6 कैरी 8 6 का 48 और 6 48 और 6 54 5 डबल 4 तो यहां पर बात बन गई ये ठीक है तो 6 के आगे 8 लगाइए यहां पर भी पॉइंट लगाओ यहां पर भी 8 8 into 68 5 डबल 4 5 डबल 4 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 यहाँ पर क्या बचा 9 9 माइनस 4 हो गया 56 अब 56 के आगे ये दो जीरो लगा दीजिए नीचे 5 6 डबल 0 मैंने 68 में 8 को मल्टीप्लाई करा था तो अगले स्टेप में 68 में 8 को ऐड कर दूंगा 68 में 6 कितना हो गया 76 ठीक है 76 के आगे देखिए क्या नंबर लगाना है 76 के आगे मैं लगाता हूँ 7 लगा देता हूँ चलो 7 से करते हैं मल्टीप्लाई 7 7 का 49 4 कैरी 7 6 का 42 और 4 46 है ना फिर से 4 कैरी आ गया 7 7 का 49 और 4 53 53 69 बिल्कुल सही बैठा आप यहाँ पर 7 लगाओ और इधर भी 7 लगाओ और ये हो गया 5 3 6 9 और फिर आगे ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दो हमने 2 डेसिमल प्लेसेस का निकाल दिया हमारे लिए सफिशिएंट है अंडर रूट 15 की वैल्यू आ गई बेटा 3.87 ये हो गया 9 मल्टीप्लाइड बाय 3.87 तो 9 7 का 63 6 कैरी 9 8 का 72 और 6 78 7 कैरी 9 3 का 27 और 7 34 34.83 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो सभी को क्लियर यस सर चलिए जी बहुत बढ़िया इसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे
और ये जो स्क्वायर रूट निकालने वाला जो प्रोसेस है ये आप रफ वर्क में करके दिखाइएगा, क्लियर में करके दिखाने की जरूरत नहीं है इसको। अंटिल एंड अनलेस आपको ऑनलाइन टेस्ट में टीचर मांगे ना, अगर टीचर कहता है कि नहीं आपको रफ वर्क भी भेजना है तो फिर आप रफ वर्क भी करके दिखाएंगे उन्हें। ओके सर। चलिए अब इसके बाद एग्जांपल नंबर फोर है, द पेरिमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर। द पेरिमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज The perimeter of a triangular field is 450 meter and its sides are in the ratio and its sides are in the ratio 13:12:5 एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इस वाले क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि साइड्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, साइड्स का रेशो दे रखा है। ट्राइंगल बना लो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो क्योंकि मुझे रेशो दे रखा है 13:12:5 तो इसमें साइड्स को हम क्या एज्यूम करेंगे वो इस रेशो पर डिपेंड करेगा। जब भी मुझे रेशो दे रखा होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में जब मुझे रेशो दे रखा होता है तो मैं रेशो में एक कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहां पर हम ये कहेंगे लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, हमेशा याद रखिए जब रेशो दे रखा होता है तो रेशो में कोई एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होता है। लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी, वो जो कॉमन नंबर है उसको आप मान लीजिए एक्स, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 13x, b is equal to हो गया 12x और c is equal to हो गया 5x। तो याद रखिएगा जब भी रेशो दे रखा होता है तो हम रेशो में कोई एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे? अब इन्होंने कहा था पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर, तो पेरीमीटर दे रखा है 450 मीटर। तो जब पेरीमीटर दे रखा है तो पेरीमीटर को मैं निकाल दूंगा, पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड्स का सम, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 450 मीटर, ये गिवन है। अब a कितना है 13x, b कितना है 12x और c कितना है 5x इज इक्वल टू 450। तो 13 प्लस 12 हो गया 25, 25 और 5 हो गया 30, ये आ गया 30x is equal to 450। अब x is equal to क्या हो गया 450 upon 30, ठीक है 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाकर डिवाइड में चला गया, जीरो से जीरो काट दिया और 3 बन जा 3 और 3 15 जा 45। तो बेटा x की वैल्यू 15 आ गई, मुझे अगर x की वैल्यू पता चल गई तो फिर a b और c की वैल्यू तो अपने आप ही पता चल जाएगी। मैं यहां पर कर रहा हूं इस तरफ, नोट करेंगे सिंस x इज इक्वल टू 15, सिंस को ऐसे बनाते हैं ऊपर दो डॉट और नीचे एक डॉट, सिंस मतलब बिकॉज, सिंस x इज इक्वल टू 15
ये therefore का साइन होता है कि एक डॉट ऊपर और दो डॉट नीचे, therefore a is equal to 13x, 13x यानी कि 13 into 15, 15 threes are 45, 15 comes are 15 or 4, 19, 195 meter. B है 12x, 12 into 15, 15 twos are 33 क्या है, 15 comes are 15 or 3, 18, 180 meter. और C कितना बेटा, 5x. 5 into 15 कितना हो गया, 75 मीटर. मेरे पास A, B और C इन तीनों की वैल्यू आ गई, A, B और C इनकी वैल्यू आ गई. अब इसके इसकी मदद से मैं एरिया निकाल लूंगा ट्रायंगल का. तो हम ये कहेंगे बाई लॉन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ triangle ABC is equal to under root S into S minus A into S minus B into S minus C is equal to under root S कितना है? S, हाँ, S हमने अभी निकाला ही नहीं. S आप ये देखिए, जब perimeter दे रखा है 450, तो S कितना हो जाएगा? S को मैं यहीं पर short में निकाल रहा हूँ, 450 upon 2 कितना हो जाएगा बेटा, 225. सभी को क्लियर है? यस सर. है ना, एस दे रखा है, सी प्लस बी प्लस सी, तो मैंने सीधा उसकी वैल्यू रखकर आंसर निकाल लिया. तो एस हो गया 225. तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 225 माइनस स्मॉल ए, स्मॉल ए कितना आया, 195. फिर 225 माइनस बी कितना है, 180. 225 माइनस सी कितना है, 75. ठीक है, ये कर दो. अब इनकी सबकी वैल्यू देखिए, चार वैल्यू जाएंगे. ये हो गया 225 मल्टीप्लाइड बाई 225 माइनस 195, 5 माइनस 5 हो गया 0, 12 माइनस 9 हो गया 3, 1 माइनस 1 0. 3225 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 45. और 225 माइनस 75, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 हो गया 5, इधर 1 बचा 150. अब देखिएगा, मैं ये जानता हूं कि कुछ स्क्वायर्स मुझे याद है, जैसे 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर होता है 225. तो 225 हो गया 15 का स्क्वायर. तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 15 की पावर 2. 30 को लिखा जा सकता है 15 मल्टीप्लाइड बाई 2. 45 को लिखा जा सकता है 15 मल्टीप्लाइड बाई 3. और 150 को क्या लिखूं, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10. तो अब जरा देखो, ये कुछ ज्यादा हो गया कि यहाँ पर 15 की पावर 2 है और इधर 15 की पावर 1, 15 की पावर 1, तो ये तो हो जाएगा 15 की पावर 4. ये तो हो गया 15 की पावर 4, यहां तक तो ठीक है ना. अब ये 2 और 3 बचा, तो इसको लिखो पहले 2 इंटू 3, और एक ये 15 बचा, इस 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और ये 10 बचा, इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10. ये बता दीजिए, ये सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर. दोबारा तो नहीं बताना, समझ गए? नो सर, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है, एक मिनट रुकिए बस. आप ये देखिए, जो 225 होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो 225 की जगह मैंने लिख दिया 15 का स्क्वायर. यहाँ पर 30 को मैंने लिख दिया 15 इंटू 2, 45 को मैंने लिख दिया 15 इंटू 3, और 150 को मैंने लिख दिया 15 into 10. ठीक है, तो 15 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, और यहां पर आ रहा है 2 बार. तो मैंने कहा कि मुझे तो 15 की पावर इवन चाहिए, तो अगर मैं ये 15 15 15 यानी कि 15 की पावर 3 अगर उसको मैं 2 में ऐड कर दूंगा तो 15 की पावर 5 बन जाएगा. तो मैंने क्या करा, मैंने 15 की पावर 4 कर दिया,
और एक 15 को एज इज रहने दिया, मतलब मैंने ये वाला 15 और ये वाला 15 साथ में ले लिया, तो ये 15 की पावर 4 हो गया। अब क्या बचता है, इधर 2 बचता है तो लिख दो 2, इधर 3 बचता है तो लिख दो 3, और इस 15 को लिख दिया 5 × 3, और इस 10 को लिख दिया 5 × 2। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब आप ही देखिए, अब मेरे पास 2 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार, तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 15 की पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, तो 3 का स्क्वायर। फिर 5 कितनी बार आ रहा है, 1 और 2, तो 5 का स्क्वायर। अब सारी पावर इवन है, बहुत बढ़िया, स्क्वायर रूट लेने का झमेला खत्म, सारी पावर बाहर आकर हाफ हो जाएंगी। 15 का स्क्वायर बाहर, 15 की पावर 4 बाहर आकर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। तो 5 × 3 = 15, 2 = 30, ये हो गया 225, 15 का स्क्वायर 225, और 2 × 3 = 6, 5 = 30, मल्टीप्लाई करो 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 6 और 1 = 7, 3 × 2 = 6, 6 = 7, 5, और एक 0 और लगा दो, मीटर स्क्वायर। बताइए क्लियर है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, ओके।